आज हम जा रहे हैं एक साइट देखने के लिए, फार्म हाउस। यस, जैसे आपने थंबनेल पे देखा फार्म हाउस के बारे में, फार्म हाउस मेरे एक फ्रेंड का बनाना है तो उसी लिए जा रहे हैं। ओपन प्लॉट है एक्चुअली 10,000 स्क्वायर फीट का। तो मिनट, यस अभी क्लियर आता होगा। हाँ, तो 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है उसकी, एग्रीकल्चर लैंड है और उसके ऊपर वो बनाना चाहता है एक फार्म हाउस। सो अभी फार्म हाउस बनाते समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली बात ये है कि लैंड लेते समय आप ज़रूर ये देखिए कि लैंड एन ए है या एग्रीकल्चर लैंड है। एन ए मीन्स नॉन एग्रीकल्चर लैंड, तो ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ही अपने को कंस्ट्रक्शन कैसे करना है ये डिसाइड कर सकता है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे आप वो जगह के हिसाब से जो FSI काउंट होता है उसके हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दैट इज़ सुपर बिल्टअप। सुपर बिल्टअप का मतलब ये है कि सिविल में जैसे कॉलम स्ट्रक्चर होता है, RCC स्ट्रक्चर और ब्रिक वर्क, इसको सुपर बिल्टअप में कंसिडर किया जाता है। और इसके लिए कुछ लिमिटेशंस आते हैं कि FSI कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और दूसरा जो है वो है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है। आजू बाजू में कौन सा एरिया है, कौन से एरिया में आता है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे क्या होता है कि आपको 0.2 FSI मिलता है। 0.2 का मतलब ये है कि आप 1000 स्क्वायर फीट पे मैक्स टू मैक्स 0.2, यानी कितना आप कंसिडर कर लीजिए 20 स्क्वायर फीट अराउंड हो जाता है, तो ये कुछ मतलब नहीं है। अगर 10,000 स्क्वायर फीट है तो हम 200 स्क्वायर फीट का ही हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपने को ऑप्शन क्या है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन तो करना ही है तो उसके लिए ऑप्शन है कि फैब्रिकेशन वर्क। फैब्रिकेशन वर्क में क्या होता है कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर में कंसिडर किया जाता है जिसमें लिमिटेशन नहीं आता है। ऐसा नहीं कि 10,000 स्क्वायर फीट है तो 10,000 स्क्वायर फीट पूरा आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हो क्योंकि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर में कंसिडर किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन करते समय अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। आप जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हो टेम्परेरी स्ट्रक्चर का। और दूसरा जो आता है कि रेडी आप कंटेनर्स भी ला सकते हो, जो यूज्ड कंटेनर्स होते हैं तो वो कंटेनर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कहीं से आप परचेज करके लिया आपने अराउंड, उसमें भी कंटेनर के साइज़ आते हैं। कंटेनर के जो साइज़ होते हैं वो होते हैं कि 20 फीट, 40 फीट, 8x20, 8x40, ऐसे उसका लेंथ विड्थ रहता है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। कंटेनर में और भी एक दूसरा ऑप्शन है, वो है कि रेडी कंटेनर्स विथ इंटीरियर। ये खास करके इंपोर्ट होता है, इंडिया में ज़्यादा करके नहीं बनता ऐसा, तो ये कंटेनर्स भी आप ले सकते हो इंपोर्ट। नॉर्मली ये चाइना से इंपोर्ट होता है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से वो बना के देते हैं। चाइना, मुझे पता है कि कमेंट आएगा ही और मैं खुद उसके खिलाफ हूँ चाइना से इंपोर्ट करने के, तो किसी भी मेरे वीडियो में मैं चाइना का प्रमोट करता ही नहीं हूँ। तो क्योंकि मेक इन इंडिया हम बना सकते हैं तो क्यों वहाँ से क्यों इंपोर्ट करना है, ज़रूरी तो नहीं है। तो आप ज़्यादा करके आप खुद बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लैंड लेते समय ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंड कौन से, यानी लैंड की सॉइल जो होती है वो कौन से टाइप की है। जैसे अगर ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे फाउंडेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसमें आपका कॉस्टिंग बढ़ सकता है। और दूसरी जो लैंड होती है वो है हार्ड रॉक, यानी हार्ड रॉक जहाँ पे है वहाँ पे फाउंडेशन खड़ा करना या कंस्ट्रक्शन करना या टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हार्ड रॉक होने के कारण वहाँ पे जो स्टैंडिंग पोजीशन है स्ट्रक्चर की वो बहुत ही इजीली खड़ी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि पहले भी एमिनिटीज़ पहले प्लान कीजिए। जैसे अभी अगर आप कमर्शियल वाइज आप सोच रहे हो वहाँ पे आपको फार्म हाउस बनाए या कॉटेजेस बनाना है तो एमिनिटीज़ बहुत ही मस्ट है। पहले एमिनिटीज़ डेवलप कीजिए, शुरुआती में एक कॉटेज और एक छोटा सा किचन ये डेवलप करना ज़रूरी है। जैसे अभी एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो इसमें इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स बहुत ही मैटर करता है। इंडोर गेम्स में आप बहुत सारे इंडोर गेम्स जैसे कैरम है या पूल टेबल है, स्नूकर टेबल है या
बैडमिंटन है, ये आप इंडोर गेम में ले सकते हो। आउटडोर में स्विमिंग पूल हो सकता है, हॉलीबॉल रहता, हॉलीबॉल का ग्राउंड बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ लेना बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी जो कस्टमर बेस है वो अट्रैक्ट हो। कोई भी ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप कॉटेज वहाँ पे बनाए आपने और वहाँ पे आके वो रुकेंगे। वहाँ पे रहने के बाद उनको एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, या आप उसके हिसाब से ही सोच सकते हो कि जैसे ओपन थिएटर का कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है, जैसे प्रोजेक्टर लगाया तो शाम के वक्त आप कौन सी मूवी इंजॉय कर सकते हो। तो एमिनिटीज़ इज़ मस्ट अगर आप कमर्शियल वाइज करना सोचते हो तो। लेकिन कमर्शियल करते समय पहले एमिनिटीज़ डेवलप कीजिए, फिर इसके बाद एक कॉटेज, एक छोटा सा किचन सर्विंग के लिए और स्टोर रूम, ये बेसिक चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। लैंड लेने के बाद ये देखो आप कि वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी कैसे है, वहाँ पे एग्जिस्टिंग वाटर अवेलेबल है या आपको वहाँ पे बोरवेल लगाना है। पानी का बंदोबस्त होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे हो तो ये पानी बहुत मैटर करता है। वाटर स्टोरेज कैसे कर रहे हो आप, ये भी बहुत ही मैटर करेगा। और लैंड लेते समय हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यानी अगर मेन रोड है तो मेन रोड से एक्सेस आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही अंदर है और एक्सेस अगर अच्छा नहीं है तो ये मार्केटिंग के हिसाब से थोड़ा मुश्किल जा सकता है। ज़्यादा करके फार्म हाउस या ये आप रिसोर्ट बोलिए, कॉटेजेस जो डेवलप कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि सिटी से ज़्यादा ये दूर ना रहे, क्योंकि ऐसे कॉटेजेस रिसोर्ट्स ज़्यादा करके वीकेंड पे बहुत यूज़फुल होते हैं। लोग सोचते हैं कि वन नाइट या टू नाइट स्टे करके वापस रिटर्न आ सके। आजकल का माहौल देख के ये तो आप समझ ही जाओगे कि कोविड में ज़्यादा दूर जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज है, स्टेट वाइज है। तो सिटी से नज़दीक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 100 kilometers अगर है तो बहुत ही बढ़िया है। और आगे का स्कोप भी दिखे कि वहाँ पे आजू बाजू में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के आप लैंड ले सकते हो डेवलप करने के लिए। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये यूज़फुल होगा। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया, जो लैंड दिखाई, इसका डेवलपमेंट कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, आखिर तक मैं इसकी एक सीरीज़ बनाऊँगा। तो कमेंट करके बोलिए कि आपको ये सीरीज़ देखना है नहीं देखना है, तो मैं उसके हिसाब से मैं आगे का वीडियो लेके आऊँगा। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज़ अरुण, APG इंटीरियर व्लॉग्स, साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।